स्वागत है आपका आर भरत टीवी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ मिताली नाइक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भरत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये जो दिखा यही सर, हाँ इसमें ट्रैक्टर का क्या कैपेसिटी चाहिए? इसमें सर 45 अबोव चाहिए। 45 एवं 55 सुपर और कितने का रहता है नॉर्मली ट्रैक्टर वगैरह? यहाँ 35 वाला है नॉर्मली। 35 जो जीरो टिलेज के लिए तो सफिशियंट है, बट जीरो टिलेज ठीक है वाली। इसके लिए जब कंबाइंड हार्वेस्टर करेंगे तब वहाँ 45 से 55 चाहिए। 35 वाला है ना जी। पूरे बिहार में 35 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का कॉस्ट भी बता दो। 12-13 लाख है, साढ़े नौ दस है, 55 पाँच से छह लाख 5 से 6 लाख 35 इसमें जो हमारी एक योजना है सर ना, एक योजना है तो वहाँ हम लोग नहीं जरूरत का ही देंगे एचपी का। उसमें जो हमने अलाउ कर रहे हैं कि 55 का ही देंगे क्योंकि हमको ये कंबाइंड चाहिए। तो 55 वाला जो है वो बेसिकली जीरो टिलेज में भी तो यूज हो सकता है। अगर बड़ा वाला ट्रैक्टर लेंगे ज्यादा पावर वाला तो वो उसमें भी यूज हो जाएगा, मैनुअल में भी यूज हो जाएगा। जहाँ कंबाइंड करेंगे वहाँ 45 से 55 चाहिए, जहाँ कंबाइंड नहीं करेगा वहाँ हमारा 35 चाहिए। उसका जो डीजल कंजप्शन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा ज्यादा वाले का ना। अब इसमें ये बताओ कि इसको ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है इसका? ऑपरेशनल कॉस्ट सर इसका जो जनरली है, जो कस्टम हायर हम सिस्टम करते हैं, जो भी कोई किसान होता है वो जनरली 800 रुपए के लगभग 700-800 रुपए पर एकड़ चार्ज करता है। 700-800 ये चार्ज करता है। इसमें मतलब कॉस्ट आप लगा लो करीब पर एकड़ जो है 400 रुपए के लगभग की कॉस्ट आती है। थोड़ा डीजल का रेट बना के 400 रुपए के लगभग कॉस्ट आती है। और इसकी कॉस्ट बता रहे हो हार्वेस्ट करके? नहीं, ये जीरो टिलेज सीडिंग करते हैं जैसे इनका ट्रैक्टर है। अगर कोई दूसरा किसान इनसे जीरो टिलेज करवाएगा तो ये 800 रुपए पर एकड़ लेंगे। उसमें 400 का इनका खर्चा हो जाएगा और 400 इनके बचत हो जाएगा। अभी सर जो हमारी योजना आई है 700 जो जीरो टिलेज लगेगा, हमारी डिडमो जो हम लोग सीट बांट रहे हैं और टीका और गेहूं का जो बांटेंगे, तो मिस्टिकली जो है सारे कोऑर्डिनेटर बीओ को बोल दिया कि बिना जो है जीरो टिलेज से जो है उस पर 700 रुपया हम लोग देते हैं। तो इनसे बात की है कि हमको 8-9 जीरो टिलेज मशीन चाहिए कि हमारा किसान जो भी जो है इनको ले रहा है जीप सीट खरीद रहा है उसको 700 रुपया जो सीधे इनको पेमेंट कर देंगे सीधे इनके अगर हमारा बुआई करेगा जीरो टिलेज मशीन से। तो अभी जो इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट इसकी बुआई कर देंगे तो हमारा 15 दिन का समय बच जाएगा, हमारा जो उधर जाके 15-20% हमारा यील्ड बढ़ जाएगा। इसीलिए अभी इस बार पूरा टाइट किए हुए हैं। अच्छा, एक एकड़ को पूरा क्लियर करने में जैसे फसल खरीद लिया कितना समय लगेगा अगर ये सारा?